कस्बा गोवर्धन के मुरारी कुंज में श्री अग्रसेन सेवा संघ और केडी डेंटल मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में मुख एवं दंत परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 से 60 के करीब महिला और पुरुषों ने परीक्षण शिविर में पंजीकृत कराकर शिविर का लाभ लिया। समाज सेवी संस्था श्री अग्रसेन सेवा संघ द्वारा शिविर में परीक्षण कराने आए लोगों को निशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस दौरान डॉक्टर विवेक शर्मा और डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केडी डेंटल मेडिकल कॉलेज द्वारा समय समय पर गांव कस्बा सहित शहरों में शिविर लगाकर लोगों के निशुल्क परीक्षण किए जाते हैं। यहाँ डेंटल का कैंप लगाया गया है केडी डेंटल द्वारा और अग्रसेन सेवा के संयोग से, और इस कैंप में हम अपने कॉलेज की तरफ से जो भी डिस्काउंट हो पाएगा वो प्रोवाइड कराएंगे। तो हम कार्ड लेके आते हैं, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, और दांत की जो भी समस्या है उसको यहाँ पर हम चेकअप करेंगे और जो भी गंभीर समस्या है उसको कॉलेज में उनका इलाज किया जाएगा। तो इसलिए हम जो हमारे कैंप लगाने का विशेष कारण ये है कि जो जागरूकता है लोगों के अंदर दांतों की अभी बढ़ी नहीं है, उस जागरूकता को फैलाने के लिए हम डेंटल कैंप यहाँ ही नहीं मथुरा ज़िले में अन्य शहरों में लगाते रहते हैं और समय समय पर लगाते रहते हैं। कॉलेज की तरफ से हर महीने कम से कम 20 से 15 कैंप किसी संस्थान द्वारा किसी स्कूल में लगाते रहते हैं। अगर बात की जाए कि कैंपों में जिस तरह आप कैंप लगाते रहें और मुक्का और दांतों की चेकअप करते रहें, किस तरीके की बीमारियां निकल के सामने आई? देखिए, गुटखा यहाँ आम है, लोग गुटखा बहुत खाते हैं यहाँ पर, तो कैंसर से जो पहले होने वाली समस्याएं जैसे ब्लैकिया है और मुंह कम खुलना है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है मथुरा और गोवर्धन रीजन में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि लोग इतना मसाला खा के सफाई नहीं करते, ब्रश बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, एक ही टाइम ब्रश करते हैं जो दो टाइम करना चाहिए, तीन टाइम करना चाहिए। और इससे क्या है कि बदबू पायरिया की शिकायत बहुत है लोगों का, तो लोग क्या है सफाई से पायरिया ख़त्म हो जाता है सोचते हैं, लेकिन खुद सफाई नहीं रखते हैं। तो इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम विशेष कैंप लगाते रहते हैं। अभी से हम बच्चों के कैंप लगा रहे हैं कि बच्चों में जागरूकता पहले फैला दी जाए, जिससे वो ब्रश पहले से करें। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें जो अभी पेशेंट देखे हमने, यहाँ पर ज़्यादातर लोग पायरिया के ग्रसित पेशेंट हैं जो, और तम्बाकू खाने वाले बहुत लोग हैं, तो हम तम्बाकू के लिए पैम्पलेट्स भी लाए जो रखा हुआ है। और कॉलेज में हमारे तम्बाकू काउंसलिंग सेंटर भी है, जो तम्बाकू छोड़ना चाहता है वो हमारे कॉलेज आके आराम से हम तम्बाकू छुड़वा सकते हैं उसकी। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, गुटखा कम खाएं, दांतों को नियमित रूप से साफ करें, और बीच बीच में जहाँ पर भी आपके अगल बगल में दंत रोग विशेषज्ञ हैं या हमारे कॉलेज है आसपास, डेंटल कॉलेज आगरा रीजन में एक ही है फरीदाबाद से लेके, तो वहाँ पर आप आएँ और चेकअप कराएँ और निःशुल्क सहायता जो भी हो सके कॉलेज की तरफ से और जो भी हम फ़ायदा पहुँचाएँ। इसमें ये है कि जो आजकल बीमारियाँ बढ़ रही हैं और कई तरह की बीमारियाँ, जिसमें से हमने आज दांतों का परीक्षण रखा हुआ है, वो स्टार्टिंग बच्चों से होती है, तो इसलिए हमने स्कूलों में रखवाया है जिससे कि बच्चों का ही बेस हम उनको जानकारी सही दे दें, तो वो अपने आगे चल के ये चीज़ बीमारियाँ बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि बड़े तो खुद ही समझदार होते हैं। फिर भी अगर बात की जाए जैसे कम कैंप लगातार लगाए जाते हैं, कॉलेजों में लगाए जाते हैं, आम जगह भी लगाए जाते हैं, पंचायतों में भी लगाए जाते हैं, तो किस प्रकार की बीमारियाँ सामने निकल के आ रही हैं मुख को लेकर, दांतों को लेकर? ज़्यादातर वो जो दांतों की सफाई लोग बार नहीं कर पाते, या तो उनमें कोई समय का अभाव कह लो, या उनमें कुछ आलसीपन थोड़ा बहुत रह जाता है, कर नहीं पाते। तो इन चीज़ों में सुबह शाम दो टाइम ब्रश करना चाहिए। मेनली बीमारी रात को फैलती है खाना पीना फंसने की वजह से, अगर उसको क्लीन कर देंगे तो ये चीज़ बीमारी बढ़ेगी नहीं। बाकी बात की जाए आज जो कैंप लगाया गया है किस संस्था के अंतर्गत ये लगाया गया? श्री अग्रसेन सेवा संघ के द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया है, केडी डेंटल का इसमें सहयोग है। अब तक कितने लोगों का पंजीकरण हुआ है? अभी तक इसमें 40-50 लोगों का हो चुका है। अगर बात की जाए कि इतने कम लोगों का पंजीकरण देके क्या लगाया कि अवेयरनेस कम है? अवेयरनेस है तो सही, लेकिन पर यह है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से इनको पूरा जागरूक, उनको कुछ एजुकेशन देंगे हम जिस तरह से वो अपने ट्रीटमेंट पूरा ले पाएंगे। वहीं डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने ब्रज क्षेत्र के लोगों में तेजी से बढ़ती मुख और दांतों की समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि आजकल ज़्यादातर युवा वर्ग
धूम्रपान और गुटखा आदि अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर कई भयानक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसे लेकर जागरूकता की जरूरत है। आज श्री अग्रसेन सेवा संघ और केडी डेंटल मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में ये मुख एवं दंत परीक्षण शिविर लगाया गया है। ये जो है श्री अग्रसेन सेवा संघ द्वारा सामाजिक कार्य में अपना जो है सहयोग दिया जाता है। पहले भी श्री अग्रसेन सेवा संघ द्वारा काफ़ी कैंप जो है लगाए गए हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री अग्रसेन सेवा संघ द्वारा श्री डेंटल के सहयोग के द्वारा आज मुख्य दंत परीक्षण केंद्र निःशुल्क यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें कि लोगों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ मौजूद है। शिविर के दौरान श्री अग्रसेन सेवा संघ के सदस्य सुमित अग्रवाल ने कहा कि श्री अग्रसेन सेवा संघ समय समय पर सामाजिक कार्यों को करता रहता है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिल सके, जिसके चलते आज मुख एवं दंत परीक्षण शिविर श्री अग्रसेन सेवा संघ द्वारा लगाया गया है, जिसमें मथुरा के प्रतिष्ठित केडी डेंटल मेडिकल कॉलेज के सहयोग से डॉक्टरों की एक विशेष टीम शिविर में आई, लोगों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर उचित उपचार के साथ उन्हें निःशुल्क दवा भी वितरित की गई।